नमस्कार, मैं तनु बोझ। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां 18 फरवरी को हाई लाइन कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ सिकंदरा आगरा में हुआ, जिसका उद्घाटन बीजेपी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता जी ने किया। इस मौके पर एमडी रोहित कुलश्रेष्ठ, रजत कुलश्रेष्ठ, राहुल शर्मा, राहुल आर्य, शशिकांत भदौरिया और संसार भदौरिया भी शामिल रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन की खास रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रथम तो इस हाइलिंग इंस्टीट्यूट का जो सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है यहाँ सिकंदरा क्षेत्र में, तो उसके लिए सर्वप्रथम तो इंस्टीट्यूट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और रजत भाई, जो दोनों भाई हैं, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही क्षेत्र के जो छात्र छात्राएँ यहाँ से शिक्षा लेके आगे अपने जीवन की शुरुआत करेंगे और कहीं ना कहीं शहर में, देश में, प्रदेश में इस शहर का नाम, इस इंस्टीट्यूट का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुभारंभ किया है और पहली ब्रांच इनकी घटिया पर खुली थी, दूसरी ब्रांच इनकी सदर क्षेत्र में और तीसरी ब्रांच इनकी आवास विकास सेक्टर में। कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जब एक के बाद एक अपनी ब्रांच को खोलता है, इसका मतलब वो ठीक चल रहा है, उसका शिक्षा का स्तर भी ऊंचा है, उसका लेवल हाई लेवल का है। मैं इस रजत और रोहित के हाई लर्निंग इंस्टीट्यूशन को शुभकामना देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं इनका जो एजुकेशन का लेवल है वो हाई बना रहे, अपर लेवल पर चलता रहे, विद्यार्थी आए और इनके इंस्टीट्यूशन से शिक्षा लेके और आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। ये अभी ये कौन से ब्रांच अपने कौन से बातें हो सकते हैं, ये अपना कैटर पूरा चलता है और प्लस कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हैं। आपने साइंस, मैथ है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है वगैरह वगैरह, जो भी इसमें स्तर है हर क्षेत्र में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और सभी क्षेत्रों में इस इंस्टीट्यूशन के लोग विद्यार्थी आगे बढ़े। जैसा कि आपको पता होगा, रजत कुलश्रेष्ठ जी एक नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूज के नाम से अपना चैनल चला रहे हैं, इसके लिए आप क्या शुभकामना देना चाहिए? मैंने शुभकामना इसकी दे चुका हूँ, उसके लिए भी कहा है, प्रभु से कामना करिए इनका जो चैनल है वो भी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, मैं पहली शुभकामना दे चुका हूँ। एमडी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने अपने जीवन की जो शुरुआत की, ग्रेजुएशन किया मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज से, उसके बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैं चला गया हैदराबाद, कंपनीज में मैंने ट्राई किया, उसके बाद मैंने देखा कि अब केवल सरस्वती जी ही मेरा उद्धार कर सकती हैं और मैं कुछ योगदान दे सकता हूँ देश की सेवा में। मैंने डॉक्टर पीसी महेश्वरी जी के यहाँ अपना एजुकेशन का काम स्टार्ट किया, वहाँ से काम करते 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 फिर मैंने केपी इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर कार्यभार संभाला, बीसीए, बीबीए, एचओडी के रूप में मैंने वहाँ पर काम किया, उसके बाद मैंने अपना यह हाईलर्न इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। आज ये मेरा तीसरा ब्रांच जो ओपन किया गया है सिकंदरा में, काफ़ी छात्र छात्राएं मेरे से खुश हैं और हम लोग कॉमर्स के क्षेत्र में तो दे ही रहे हैं शिक्षा, लेकिन साथ ही कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में भी और साइंस साइड के क्षेत्र में भी हमारे साथियों द्वारा आगे बढ़ रहे हैं और देश की सेवा में योगदान दे रहे हैं। जैसा कि अभी मोदी सरकार की एक योजना चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए आपका इंस्टीट्यूट कुछ रियायत देगा बेटियों को? हमारे यहाँ शुरू से ही, मेरे यहाँ मैक्सिमम आप कंटोनमेंट बोर्ड में, जो मेरी छावनी क्षेत्र में ब्रांच चल रही है हाईलर्न इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, पार्क रेस्टोरेंट बिल्डिंग, मैक्सिमम मेरे यहाँ 90% जो स्टूडेंट हैं वो गर्ल्स ही हैं, मेरे यहाँ बॉयज का रेशियो बहुत कम रहता है, 5% 10% रेशियो रहता है, उसमें हम लोग कंसेशन भी देते हैं और पूरा सिक्योरिटी का वो रखते हैं, इंतजाम रखते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे यहाँ एक घंटे की क्लास ना होके चार चार घंटे की क्लास हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, सैटरडे संडे टेस्ट लेते हैं, हमारी फैकल्टीज इतनी मेहनत करती हैं कि हो सकता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना। उसके बाद का रेस्पॉन्स गार्जियंस का क्या मिलता है? गार्जियंस का रेस्पॉन्स ये मिल रहा है कि आज तीसरी ब्रांच आगरा में ओपन कर रहे हैं हम लोग, है ना। हमारे साथी मनोज सर एंड विक्रम सर, विक्रम सर प्लीज कम, इन लोगों के सहयोग से और मेरे छोटे भाई रजत कुलश्रेष्ठ, इन लोगों के सहयोग से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार मीडिया का मैं आप बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने आकर हम लोगों का मैसेज कन्वे किया, पेरेंट्स का कन्वे किया, बस ये हम बहुत बहुत आभार आप लोगों का।
और प्रमोद गुप्ता जी जो हैं रज क्षेत्र उपाध्यक्ष, इनके द्वारा मेरी घटिया आजम खां की ब्रांच का शुभारंभ किया गया था, जो मेरी पहली ब्रांच थी, वहां से ही मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था। उसके बाद सदर पार्क रेस्टोरेंट बिल्डिंग में गुप्ता जी द्वारा किया गया, माननीय प्रमोद गुप्ता जी द्वारा किया गया, आज भी यह उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया गया है। आप इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप दोनों जो चैनल हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे इंस्टीट्यूट को दिया और कवरेज की। स्वागत आपका। उसके बाद में आप बात आता है हाईलैंड इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की। हाईलैंड इंस्टीट्यूट को जब नाम दिया गया था तो हमने एक चीज़ सोची थी, हाईलैंड हायर। अगर बच्चा आएगा उसको अपनी माइंड में सेट कर ले कि अगर उसे हाईलैंड है तो जाहिर सी बात है हाईलैंड होगा ही होगा, उसे पैसा कमाना है तो हाईलैंड में आएगा। और रही बात, अभी तक लोग हमें अकेडमी चला रहे थे 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, कॉमर्स एज वेल एज साइंस, और हमारे पास इस समय लगभग 10 फैकल्टी हैं ऑलरेडी, जो 10 फैकल्टी है, हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई हैं वो लोग, तो हमारी ऑलरेडी चल रही है। हम लोग जो है कि हम केवल पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले लोग हैं, हम लोग ये नहीं है कि हमें उनका टाइम पूरा करना है कि एक साल हुए भी एक साल का कोर्स है हमें पैसा चाहिए, हमें पैसे से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सलेक्शन निकले। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो रेशियो आगे आने वाले साल में 60% रेशियो हम सलेक्शन का मान के चल रहे हैं कि हम 60 से लेकर 70% हम सलेक्शन देंगे। अगर मेरे पास 10 बच्चे आए हैं तो उसमें से 7 बच्चे एक साल के अंदर अंदर अपना सलेक्शन लेके जाएंगे, और उसके लिए हम लोग उससे मना नहीं करेंगे बेटा 2 घंटे बैठना 3 घंटे बैठना। उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि सुबह वो आएगा और शाम को 6 बजे जा रहा है, पूरा टाइम है 6 घंटे 7 घंटे हम उसको स्टडी देंगे। वर्तमान अगर शिक्षा का स्तर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं, उनके लिए क्या योजना बनाई आपने? देखिए वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर मतलब समाज कल्याण को अगर देखें, समाज कल्याण ने मिलकर प्राइवेट संस्थाओं से इसका जमीन स्तर गिरा चुके हैं, एजुकेशन गिरा चुके हैं। यही रीजन है जब से मोदी सरकार आई है और योगी सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि पूरा सेल्फ सेंटर खत्म कर दिया गया। सेल्फ सेंटर खत्म होने से क्या हुआ, बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ, पढ़ने का लेवल चेंज हुआ। अब बच्चों को लग रहा है कि मेरे को पास होना तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसी वजह से इसको देखते हुए अगर वो अगर अवेयर है बच्चा, जब उसे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा मैं पढ़ूंगा तभी तो वो पढ़ेगा। अभी पिछली सरकारों में ये इतनी बुरी स्थिति थी कि बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता था, और बच्चा नहीं पढ़ रहा तो पेरेंट्स ये सोचता कि भाई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, जब मनी नहीं है उसका तो छोड़ो काम पे लगा। तो अब क्या है कि अब वो थोड़ा पढ़ रहा है, अवेयर हो रहा है, और प्लस हम लोगों का मेन मोटो यही है कि बच्चों को इतना मोटिवेट करें कि वो ऑटोमेटिक वो पढ़े। भाई हम ज़्यादा ही बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, अगर बच्चा हमारे पास 3 महीने थोड़ी सी मेहनत कर ले, 3 महीने केवल, 3 महीने में हम उसका लेवल वो बना देंगे, वो आने वाले 4 महीने में अपने कहेगा सर मेरा सलेक्शन हो गया, वो मिठाई का डब्बा लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।